बदलापूर शहराचा दिवसागणिक विकास होत असताना कुठेतरी बदलापूर शहरात गुन्हेगारी वाढताना दिसत आहेत असंच एक खडणीचं प्रकरण आपल्या समोर आलं आहे बदलापूरमधील प्रसिद्ध उद्योजक प्रकाश कुमार यांच्यासोबत एक प्रसंग घडला आहे त्यांच्याकडनं खंडी मागण्यात आलो आली होती हे प्रकरण नेमकं काय हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात प्रकाश सर तुम्ही बदलापूरमधील एक सुप्रसिद्ध असे उद्योजक आहात बिल्डर आहात तुमच्यासोबत खडणीचं प्रकरण घडलं होतं ते नेमकं काय होतं एक्चुअली खंडनी का प्रकरण ना मेरे साथ ये 26 जून 2019 से ये लोग हमसे पैसा मांग रहे थे हमने इनको दिया भी क्योंकि अब जान का खतरा होने की वजह से तो उसमें कैसा है हमसे उस समय जो हमने दिया पैसा उसके बाद उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू हमसे दो साल तक थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट करके ऐसा लेते गए लेकिन अभी लेटेस्ट जो इन्होंने क्या किया है अठारह अक्टूबर को उन्होंने हमारी गाड़ी को रुकाया और हमें पचास लाख का हमसे खंडनी मांगे जिसमें बोलेगा अगर आप आठ दिन के अंदर मुझे खंडनी का पैसा नहीं देते हैं तो हम आपको जान से मार देंगे और आपके परिवार को भी ठोक देंगे तो कैसे है मैं पिछली घटना जो हुआ था तो मैं इसको एकदम हल्के में लेके जाऊँ और जान का खतरा मतलब ऐसा समझ के मैंने ये किया अपनी वाइफ से और फैमिली में डिस्कस किया बोले जान तो भी ये छोटा मोटा तो होता है तो मैं ये उसकी वजह से मैंने उस समय कंप्लेन नहीं किया था लेकिन अभी ये हद से ज़्यादा हो गया जो कि बदलापुर में कभी ऐसा मैटर आया नहीं था नहीं। आज मैं इसलिए आपसे इस विषय पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बदलापुर में खंडनी का मैटर या गुनाह का लेवल बहुत कम है और बदलापुर एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा है लेकिन अभी जो हो रहा है ये खंडनी का मैटर आने के बाद जो चीज़ मेरे साथ हुआ है मेरे परिवार के साथ मेरे परिवार को कितनी तकलीफ हुई है मुझे कितना तकलीफ हुआ है उसकी वजह से मेरे बिजनेस को भी तकलीफ आया है और ये गुनाह को देखते हुए क्या है अगर अभी पैसा मांग रहे हैं पचास लाख रुपया तो उनको ठोकने में कुछ देर नहीं लगेगा क्योंकि वो सब क्रिमिनल उनकी हिस्ट्री क्रिमिनल है पहले से उन्होंने एक दो क्राइम किया है और वो हमें बार बार वही दिखा के हमसे खंडन का पैसा मांगते गए कि हमने ये किया है हमने वो किया है अगर आप नहीं दोगे तो हमारे लिए इजी है हम तो आपको कभी भी ठोक देंगे आप तो घर से निकलते ना जाएंगे साइड पे काम करेंगे ना तो कैसा है लेकिन ये अभी जो ये इन्होंने किया है ये सर के ऊपर से गया तो इसके लिए मैं प्रशासन पुलिस प्रशासन की मदद लेना उचित समझा क्योंकि वापिस जो चीज़ मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो ये मेरे से गलती हुई है मुझे और पहले कर देना चाहिए था लेकिन क्या है मेरे जो छोटे बच्चे और ये सब देख के मैंने कहा नहीं जान दो अब उन इस इसमें यह कर दिए लेकिन अभी की घटना की वजह से आज मेरे से पचास लाख मांगे किसी से अस्सी लाख मांगे किसी से एक करोड़ मांगेंगे क्राइम लेवल बढ़ जाएगा हमारा हमारे बदलापुर में तो हम नहीं चाहते कि ये क्राइम लेवल बढ़े जैसा बदलापुर आज साफ सुथरा है वैसा बदलापुर साफ सुथरा रहना चाहिए और इसलिए हम पुलिस प्रशासन के पास गए हमने अपनी बात रखी उन्होंने इंक्वायरी किया और इंक्वायरी में उनको सारी चीज़ें मिली कि नहीं फिर उन्होंने उनको उनसे बातचीत जो किया है जो इंक्वायरी किया उनको इंक्वायरी में जो चीज़ें मिली है उसके ऊपर उन्होंने गुना दाखिल करके फिर किया है जो कि जो आरोपी थे उन्होंने कबूल किया कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें किया है बाकी जो पुलिस प्रशासन ने अपना काम पूरी स्वच्छता के साथ सब कुछ इंक्वायरी करके बात करके सारा चीज़ ये करके जहाँ जहाँ घटना हुआ है वहाँ आरोपी को भी लाए और सारा छानबीन किए जो अब हमारा ये पुलिस प्रशासन जो था अपना जो टीम थी खंडनी विभाग की वो बदलापुर कम से कम कितनी बार आके जो जो घटना था सारी घटना का इंक्वायरी किया सारी घटने को पड़ताल किया आरोपी के साथ पड़ताल किया हमारे घर पे भी आए हमारे घर घर पे हड़ताल किया जो हमने पैसा दिया कहाँ से पैसा दिया कैसे दिया वो सारी चीज़ें हमने उनको प्रूफ के तौर पे दिए जो मेरे गोल्ड्स वगैरह सब हमसे छीने हुए थे हमने सारा बिल उनको प्रोवाइड किया जो है वो फैक्ट है लेकिन मैं मेरी एक ही चीज़ है कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ है वो और किसी बिल्डर के साथ या और किसी व्यापारी के साथ या और किसी एक आम आदमी के साथ नहीं होना चाहिए और ऐसे गुना का गुनाकार लोग उनकी जगह समाज के अंदर नहीं है उनकी उन, उनकी जगह जेल में है और उन जो गुनाह करता है वो बाहर घूमने का हकदार भी नहीं कैसा है अभी हम आप से बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताते अभी कैसा हुआ? उन, कुछ लोगों ने अभी हमारे ऊपर कुछ प्रेशर भी डालने की कोशिश किया कि वो राजनीतिक पार्टी से कुछ कॉर्पोरेटर हो गए या जो भी मतलब कैसा है कि अभी किसी तीसरे को नहीं मालूम है मैटर क्या है हम चार्जशीट अब हमने तो जो पेपर था हमने सारा चीज़ हमने शो किया हमने दिखाया है लेकिन कैसे थर्ड पार्टी को नहीं मालूम होने की वजह से उनको लगा कोई एक छोटा मोटा ये मैटर है इसलिए वो बात करने की कोशिश की कि भाई नहीं क्या है ये खत्म कर दो लेकिन ये खत्म करने की चीज़ नहीं है और मैं जो भी हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं तो क्योंकि ये घटना मेरा केवल अकेले का नहीं है कल आगे और किसी के साथ ना हो इसलिए जो सच्चाई है उसका साथ दो और ऐसा घटना वापस नहीं होना चाहिए तो बदलापुर के अंदर चैन स्कैनिंग कभी नहीं होता था जो अभी चैन स्कैनिंग चालू हो गया है लोग इतने क्राइम बढ़ना चालू हुआ है ना इतनी छोटी छोटी, छोटी चीजें हो गई है हमारा वेस्ट और ईस्ट दोनों साफ सुथरा था लेकिन दोनों दोनों अभी जो चल रहा है चैन स्कैनिंग वगैरह ये ऐसे ही लोग हैं पहले छोटा छोटा क्राइम करते फिर ये बड़े पे हाथ मारते अगर मैं उस समय जो मेरे साथ दो चार बार घटना किया हमारा पीछा किया हमारी गाड़ी को रुकाया हमें किडनेप किया मुझे तभी वो कम्प्लेंट किया होता तो आज शायद इतना पैसा मेरा जो दस दस साढ़े दस लाख रुपया इनके पास गया है जिन्होंने लिया है मेरे से जबरदस्ती छीना है जो खंडनी मांगा है वो आज मुझे पचास लाख मांगने की इनकी हिम्मत तभी नहीं पड़ती थी हाँ लेकिन मैंने क्या फैमिली और ये और ये समझ के थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं जान दो बिजनेस है हम व्यापारी लोगों की यही कमी है कि हम डरते हैं कि हमें व्यापार करना है और इसी का फायदा क्राइम के लोग उठाते जो क्रिमिनल है वो इसी का फायदा उठाते कि ये व्यापारी किधर जाएगा नहीं डराओ धमकाओ और लो लेकिन ऐसा मुझे इतना विश्वास है मुझे पुलिस प्रशासन पे विश्वास है हमारे जो हमारे कॉरपोरेटर है जो हमारे अच्छे राजनीतिक लेवल पे ये है नेता है हमें सब पे विश्वास है कि वो ऐसा को, नाही कि क्राईम बढे बदलापूर अंदर और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि में ना दिया जाए। की बदलापूर क्राइम क्राईम बढणे न जाए प्रकाश सर तुम्ही आता सांगितलं की अमाऊंट पहिले गेली पण जेव्हा तुम्हाला कुटुंबाची धमकी देण्यात आली की तुम्हाला जेव्हा मारण्यात येईल कुटुंबाला मारण्यात येईल त्याच्यानंतर ती पन्नास लाखाची काही मागणी त्या खंडणीखोरांनी केली पण हे जे तुम्ही दहा साडे दहा लाख रुपये या खंडीखोरांना दिले ते संपूर्ण कॅश स्वरूपात होते का हाँ कैश स्वरूप में था और एक चेक ट्रांजेक्शन है और उसमें गोल्ड वग़ैरह सब मिला के हमारे चैन अंगूठी और ब्रेसलेट और उन्होंने बीच बीच में कैसा है वो मांगते थे दस लाख तो हम हमने उनको कितनी बार बोला भाई हमारे पास पैसा नहीं है मार्केट की हालत क्या है तो ये सब करके मैं उनको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत करके दिया तो वो थोड़ा बहुत आज वो पचास लाख पे आके हो गया और उन्होंने जो चीज़ किया है

उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और उनको नहीं लगा था क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो घटना की वो अकेले में वह उन्होंने ये करके किया उसमें कैसे उनके ट्रिप हम हमारे में से ही कोई ट्रिपर रहा होगा जो उनको ट्रिप लगा होगा लेकिन कैसे अठारह तारीख की घटना में, में मेरे साथ दो और लोग थे हम साइड विजिट के लिए जा रहे थे दो ए, एक एजेंट थे उनको घर दिखाना था और इनको आइडिया नहीं था कि गाड़ी में और कोई भी है क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था

नहीं हमने तो सारी हिस्ट्री निकाल लिया है और हम तो चाह रहे कि हमने तो क्राइम किया ही है तो तो वो वीडियो एक क्राइम है कुछ तो है कुछ किधर किया उन्होंने मुंबई के अंदर तो उन्होंने बोला अभी तो क्या हमें जाना ही है अंदर लेकिन डाल के जाऊंगा पैसा नहीं दिए तो दिया धमका प्रेशराइज करना था जो कि मेरे साथ और दो लोग थे उन्होंने भी देखा और सुना तुम्हें घटने कायदा सा आधार घित भाई अभी मुझे समझ में आ रही अभी यह हमें एक एक ही जगह से मदद मिल सकता है वो है पुलिस प्रशासन से लास्ट में मैंने पुलिस प्रशासन के पास गया मैं उनसे मदद मांगी मैंने अपनी बातें रखी सारी चीजें हमने जो हमारे साथ घटा हमने सारा चीज उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है उन्होंने प्रॉपर छानबीन किया छानबीन करने के बाद जब वो सच्चाई उनको मिला जब सामने वाले से जब पूछताछ किए जब उनके मुंह से कबूला गया जब उन्होंने क्राइम एक्सेप्ट किया कि हाँ यह घटना मैंने किया था यह घटना मैंने ऐसे किया था तो चाहे क्राइम करने वाला कुछ ऊपर नीचे बोलता है, लेकिन क्राइम का उन्होंने कबूल दिया और जब वो कबूले उसके बाद उनके ऊपर जो चार्जेस वगैरह लगे तब उसके बाद उन आगे का प्रोसेस उन्होंने पुलिस प्रशासन ने किया पुलिस पुलिस प्रशासन भी देखना चाह रही थी क्या सच्चाई क्या ये उन्होंने प्रॉपर छानबीन करने के बाद काम किए और मैं चाहता हूं ऐसे ऑफिसर को धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगा जो कि हमारे जो खंडनी विभाग के मुंबई साहब थे उन्होंने प्रॉपर छानबीन किया छानबीन करने के बाद ही उन्होंने आगे का ये किया मैं वहां कंटिन्यू सात दिन जाके बैठा हूँ खंडनी विभाग में सात दिन मतलब मैं पेपर वगैरह सब चीज़ उन्होंने इंक्वायरी किया सब इंक्वायरी करने के बाद सामने वाले को बुला के जो आरोपी है ये क्या बोलते हैं क्रिमिनल है उनको बुलाया बुलाया जब उनसे बात किया उन्होंने कबूल किया तब उसके बाद से आगे प्रोसेस हुआ हमने एफ दर्ज किया उसके अंदर हमने सारा डिटेल जो है उसमें सारा मेंशन हुआ कौन सी घटना कब हुई किस जगह पे हुई किस टाइम पे हुआ कैसे हुआ क्या लिया कैसे ट्रांजैक्शन किया हमारा क्या क्या छीने किस तरीके से हमें किडनैप किया हमें रात भर कहाँ रखा हमारी सारी चीज़ें जो छीना उन्होंने और जो भी ब्रेसलेट वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन है हमने उसका बिल भी सबमिट किया है ब्रेसलेट चैन अंगूठी और कैश जो मेरे पास थे जो मैं रेलवे में भरने के लिए सी गया हुआ था उस दिन ट्रेन से आया मैं साढ़े बजे के आसपास मैं बदलापुर स्टेशन पर उतरा और वहाँ से उन्होंने हमें किडनेप किया दो लाख उस टाइम का जो कैश था वो भी छीन लिया फिर मुझे वो गाड़ी में अंदर डाल के हमें कहाँ ले गए आग बांध करके मालूम बोले अभी तो अगर तुम इतना पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको मार डालेंगे वो डर की वजह से मैंने कहा अभी क्या क्या बोले अभी क्या है डर है ना और डर की वजह से आज क्राइम रियल में बढ़ गया मतलब क्या हो गया आप उसी वक्त अगर मुझे उस समय कंप्लेन करना चाहिए था मुझे उस समय हिम्मत दिखानी चाहिए थी उस समय मुझे आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन मुझे क्या लगा ये घटना हो गई हो गई अभी ये जो दे ले दिया मैटर क्लोज हो गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो कंटिन्यू कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था बढ़ते गया बढ़ते बढ़ते आज पचास लाख पे आ गए तो वो ऐसी यही चीज़ें हमारे बदलापुर में दूसरे के साथ ना घटे यही मैं चाहता हूँ प्रकाश कुमार सर यानी त्यांच्यासोबत घडलेली सगळी घटना आपल्याला सांगितली आहे एक सिनेमातील दृश्य ते सांगतात की काय असं वाटत होतं पण खरंच जेव्हा हे आपल्या आयुष्यात आपल्या आजूबाजूला घडतं तेव्हा कुठेतरी चीड येते की एक माणूस आहे जो एक व्यावसायिक आहे पैसे कमवतोय आणि कुठेतरी त्याला लुबाडण्यात येते त्याला त्याच्यावर ते असं म्हणजे अक्षरशः कुटुंबाला मारण्याची धमकी पिस्तूल लावणं म्हणजे आपण विचारही नाही करू शकत खूप भयानक अशी परिस्थिती आहे तर बदलापूर वाईटच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना एवढंच सांगण्यात येते की आपल्यासोबत असं काही घडलं तर पहिले पोलीस प्रशासनाकडे जा कायद्याचा आधार घ्या आज त्यांनी सांगितलं त्यांच्या अनुभवामध्ये की सुरुवातीला दोन लाख मागण्यात आले त्यांना किडनॅप करण्यात आलं रात्रभर एका ठिकाणी ठेवण्यात आलं अक्षरशः त्यांना पिस्तूल लावून घरच्यांना मारण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांना स्वतःची आणि जीवाची आणि कुटुंबाची काळजी वाटली तेव्हा त्यांनी कायद्याचा आधार घेतला खरंच एवढी वेळ लावू नका असं आपल्या आजूबाजूला काही घडलं तर पहिला कायद्याचा आधार घ्या सतर्क राहा काळजी घ्या बदलापूर व्हॉईस बदलापूर